अगर तुम अच्छे होते तो तुम जीत जाते, बीजेपी को हरा देते गुजरात से। तुम हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करना चाहते हो, तुम हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला हिंदू नेशनलिज्म से करना चाहते हो। मजलिस क्या पैगाम दे रही है कि हिंदुत्व का मुकाबला संविधान से किया जाएगा जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला इंडियन नेशनलिज्म से किया जाएगा। भाई अगर ये अच्छे होते तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यहां पर नहीं आता। ये खराब है, ये डरते हैं मोदी से, ये डरते हैं आरएसएस से, इसलिए डरते हैं कि इनको खुदा पर एतमाद नहीं है, इनको अपनी जिंदगियों से मोहब्बत है। ये मौत से डरते हैं, वहन पैदा हो चुका है इनके दिलों में। मजलिस का एक एक रुकन सिर्फ अल्लाह से डरता और कोई इंसान से हम नहीं डरने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, वक्त का वजीर आजम अगर नरेंद्र मोदी भी हो तो वजारत उजमा के ओहदे की इज्जत करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की शख्सियत से खौफ नहीं खाते, ना कभी खाएंगे इंशाअल्लाह तआला। इज्जत यकीनन वजारत उजमा के ओहदे की है, मगर कोई कहे कि डरो नहीं, डरना नहीं होता। हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं, इसको इससे शादी मत करो, वो उनका मिला हुआ है, ये खराब है, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है। तुम बार बार नहीं इनसे मिले हुए, अरे तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच में मिलावट। अगर तुम अच्छे होते तो तुम जीत जाते, बीजेपी को हरा देते गुजरात से। तुम हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करना चाहते हो, तुम हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला हिंदू नेशनलिज्म से करना चाहते हो। मजलिस क्या पैगाम दे रही है कि हिंदुत्व का मुकाबला संविधान से किया जाएगा जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला इंडियन नेशनलिज्म से किया जाएगा।